हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक नई न्यूज़ के बारे में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों, हम न्यूज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। और अगर वो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्यूजडे दिसंबर 7, 2021 की ये न्यूज़ है, मतलब कल की ये न्यूज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो स्टॉक है उनमें तेज़ी आ सकती है। कितने परसेंट तक? और वो आ सकती है 83% तक, मतलब 83% तक। ये कहना किसका है? गोल्डमैन सैच का। और वो एक रिसर्च हाउस है जिन्होंने रिसर्च किया है, और उनका कहना है, उनका एक स्टेटमेंट निकल गया है, उनका कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो, उनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो ग्रोथ पे आने वाली है। और वो कितना ग्रोथ करेगी? वो करेगी 83% तक। और वो क्यों ग्रोथ करेगी, उसका भी एक रीज़न है कि जो ग्रीन एनर्जी जो बिजनेस है, उसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री है वो ग्रोथ पे जाएगी और 83% तक जाएगी। और कितने टाइम में जाएगी? तो दोस्तों, मैं वो बता दूँ, ये सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 83% तक टच कर देगी। और उनका ये भी कहना है कि जिसका पोटेंशियल जो रहेगा इंक्रीज़ का, वो 35% तक रहेगा। और जो टारगेट प्राइस रहेगी, 3,185 तक टारगेट प्राइस रहेगी, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ तू, कि उनका ये भी कहना है कि रिसर्च जो है उन्होंने 3 कैटलिस्ट के बिहाफ पे की है। और वो निखिल भंडारी जो है, जो को ऑथर है गोल्डमैन के, उनका कहना ये है कि सस्टेनर अर्निंग रिकवरी मोमेंटम जो है वो ईच डिवीजन में होगा, उसकी वजह से भी, और न्यू डिजिटल प्रोडक्ट जो लॉन्चेस होते हैं उनकी वजह से भी, और मोर डिटेल जो होगी वो रिलायंस इंडस्ट्री के एनर्जी बिजनेस जो है रोड मैप पे, उसकी वजह से भी होगा। तो ये जो कैटेलिस्ट हैं, मतलब ये जो रीजंस रहेंगे, तो वो अर्निंग करवाएंगे 41% तक CAGR पे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि जिन्होंने भी शेयर होल्डिंग कर रखी है, स्टॉक ले रखे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, अभी के कुछ डाउन मार्केट में आपको थोड़ी सी गिरावट इन सब में है, हर कंपनी में गिरावट आती है, बट निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट निकल के आया है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा, जो भी इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं उन सबको फ़ायदा होगा। तो बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों तक ये न्यूज़ मैं पहुँचा सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हैं चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।